ये CB750 हाँ मुल्तान से ही। ये यार मल्टी पेपर लग गया है, वो थोड़ी बहुत सेटिंग रह गई है, वो हो रही है, चेक करो कैसा लग रहा है भाई। हीट गन ये ना बड़ी कमाल चीज़ है, पेपर खुद ही बैठता जा रहा है यार। बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं हीट गन। इधर देखियो यार कैमरे में, मज़ा आ रहा उतारते हुए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। होप करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मैं भी एकदम A1 फर्स्ट क्लास फिट फॉर। तो भाई सीन आज कुछ ऐसे है, आज है संडे और है बहुत ही प्यारी मॉर्निंग, सूरज निकला हुआ है। कल तो सारा दिन भाई बारिश में चलता रहा है सारा, और कल काम नहीं करवा सके, आज मैं जा रहा हूँ छोटा मोटा काम करवाने। इंडिकेटर चेंज करवाने का प्लान है, कुछ स्टिकरिंग का है, ऐसे ही छोटे छोटे से कुछ काम है। तो सुबह से प्लान में आ रहा हूँ कि अभी निकलूँगा, लेकिन करते कराते मुझे तकरीबन हो चुका है 2 बज गए, 2:15। तो अपना वेस्पा बड़ी जो है, मैंने उसको कहा, मैं कहा यार साथ आ जा काम करवा दे, तो भाई उसने तो पहले कर दिया इनकार। तो मैंने कहा यार तेरे वेस्पे का भी साथ काम करवा देते, तो अब माना है वो साथ जाने के लिए बंदा ना। तो अब मैं जा रहा हूँ उसकी तरफ। उसको साथ लेके जाते हैं, साथ ले जाने से ये होगा कि सजेशन मिल जाएगी क्या करवाया जाए क्या ना करवाया जाए। अभी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें चेंज करने का मेरा प्लान है, अल्लाह करे सारे काम हमारे आज हो जाए। मुझे लग नहीं रहा जितना मैंने देर कर दी है ना। वो दे रास्ता, ये कहाँ से लग गया आगे भाई। एग्जॉस्ट चेंज करवाने के बाद आज मेरी खैर दूसरी तीसरी राइड है व्लॉग, खैर मैं आज बना रहा हूँ। जो मज़ा आ रहा है ना एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद, पैसे वसूल। उससे पहले जो है ना बहुत लाइट साउंड आ रहा था इस बाइक का, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। लेकिन एग्जॉस्ट चेंज किया है ना, तो भाई अब सही रिएक्शन काउंट होंगे हम के। तो भाई अपना दोस्त भी अपने साथ आ गया जिसको लेके जाना था। आज संडे है, आज होगा रश, लेकिन हमारे पास भी एक ही दिन होता है इसमें, हमने काम करवाना होता है, पूरा हफ्ता हम लोग भी बिजी होते हैं। अगर बाइक का साउंड पसंद आया हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि साउंड कैसा लगा। अभी इस टाइम पता नहीं आपको सही आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, क्योंकि अभी तक बाइक बिल्कुल भी नहीं खींचा। RPM देख रहे हो, बिल्कुल इस टाइम 2 पे खड़ा हुआ है, और यहाँ तक जाना है इसने। लो भाई जला लो शुरू। रश से तो यार निकल आए हैं और मैं इस टाइम पहुंच चुका हूँ किले पे। वो नज़र आ रहा है ऊपर तुम्हें, ये पीछे सारा किला है मुल्तान का कदीमी, जहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं देखने। ये ऊपर बहाउद्दीन ज़िक्रिया का मज़ार है, और यहाँ से मैं नीचे जब उतरूँगा ना तो आगे तकरीबन सारी बाइक मार्केट है। मैं स्लो इसलिए जा रहा हूँ, वेस्पा भाई नज़र नहीं आ रहे यार। मैं इधर रश में से ये निकाल आया हूँ, उसे वेस्पा नहीं निकला अभी तक।
मैं तो फाइनली पहुंच चुका हूं नवीर भाई के पास। ये CB750 हाँ मुल्तान से ही, बस एक बाइकर दोस्त से उनसे लिया था। सेल करने का है मेरा से नहीं? हाँ है, कर दूंगा, शौक पूरा तो हो गया। वैसे चेक करो भाई अपनी बाइक कैसे लग रही है। ये मैंने वाइजर यहाँ से जो है ना उतरवाया है, विंडशील्ड उसको मल्टी पेपर को लगवाने के लिए मैंने देखे हैं अभी, और इशारे वगैरह इस पर नहीं लगे हुए थे पहले, वो मैंने ऐड करवाए हैं। इसके अलावा अभी जो चल रहा है अभी ये जो है ना इस पर पेपर शेपर करवाते हैं कोई, और ये बैग के भी मैंने इशारे जो है ना चेंज कर दिए। पहले क्या था कि बिल्कुल ही ब्रीक इशारे लगे हुए थे, वो टेल लाइट इतनी बड़ी थी वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे, लेकिन ये है कि अब जो है ना इस पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा लुक्स में ना। और मुझे तो भाई ये विंडशील्ड के बगैर ही अच्छी लग रही है। अब चेक करो मीटर, वो ये टेकी खुलवा रहा हूँ, इसके ऊपर भी करवाऊँगा कोई कार्बन पेपर, उम्मीद है मिल जाएगा कार्बन पेपर कोई ना अच्छी क्वालिटी में। ये वाला तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और यहाँ से ख़राब हुआ पड़ा सारा। यहाँ पर एक और बाइक आया हुआ है, ये आई थिंक है बनेली का TRK 251 है, एडवेंचर टूर कैटेगरी है, बड़ा ज़बरदस्त बाइक है। ये ना यार पेपर लगवाने के लिए खोला है, इसका भी पेड़ उतर गया पेपर पे। और ये यार मल्टी पेपर लग गया है, थोड़ी बहुत सेटिंग रह गई है वो हो रही है, चेक करो कैसा लग रहा है। पेपर होने के बाद अब करवाएंगे हम इस पर काम, और एक दो काम और रह गए तो करवा के फिर इंशाल्लाह फ्री है। तू तो स्टोरी सुना भी नहीं, वैसा सेट हो गया तेरा कार्बन दिखा दो कौन नहीं, ये भी आ रही है यार लाइन, ये कौन सी है ये पता क्या, इसका जो मल्टी पेपर है ना ये वो है बड़ा मल्टी पे लग गया, के साथ ही आ गया था शापर उतार है ना वो उसके साथ ही आ गया। ब्लैक करीब से देख रहा ना फिर पता लगेगा। अच्छा यार इस पे भी कर दो पेपर, काम करवाना फिर अच्छा फिर ऐसे ही होगा। इस पे भी कर दो दिखाना कार्बन पेपर कौन सा है, मैट भी लेना चाहिए। उम्मीद तो है यार ये अच्छा लगेगा, अब देखो लुक अल्लाह करे सूट कर जाए अपनी बाइक को। वो यार ये होंडा अच्छा लग रहा है फिजान, ये अच्छा लग रहा है मेरे भाई। वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल हो ना था, बता अपनी लॉजिक अब काम हो गया वैसे पे यार। तो मैं तो तुझे लाया था करवा लेता भाई, क्या बना लग रहा है सिंगल पीस में लगेगा, एक ही दफ़ा में लगेगा। अच्छा तो पता चलेगा फिर, सिंगल तो पेपर भी सिंगल लगना चाहिए। सही है भाई, यार वो शील्ड लगवाई है अजीब ही लग रही है, रंगीली लग रही है यार पेपर लगवाने के बाद ना विंडशील्ड। मैं भी थोड़ा साफ हो बाइक क्या सेट हो जाए ना, लगाया बाइक साफ नहीं है ज़रा, वो सेट हो जाएगा मेरे ख्याल से। आज है संडे और यहाँ पे है बहुत ज़्यादा रश और हर बंदा अपने कामों में लगा हुआ है, कोई सिलेंसर क्रोम करवा रहा है तो कोई पेपरिंग करवा रहा है, पूरी मार्केट ही ऐसी चीज़ की है। ये पेपर अच्छा लग रहा है वैसे लगने के बाद, मैंने कहा नहीं था शाइन कलर का अच्छा लगेगा, मैं इसी तरह का चाह रहा था लाइट कलर के अंदर हो जाए। यहाँ पे चल रही है मेहनतें, ये हीट गन ये ना बड़ी कमाल चीज़ है, पेपर खुद ही बैठता जा रहा है यार। बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं हीट गन, बाल सही कहा भाई ने, बाल ही हाथ में आ भाई कह रहा बाल ही हाथ में आ जाए। मगरिब का टाइम हो गया अभी तक ही नहीं चक्करों में, टाइम का पता नहीं चल रहा है। आ गया मैं इसलिए सुबह 9:30 निकल आना था मैंने ना, लेकिन भाई करते कराते यही कि जाऊँ ना जाऊँ क्या करूँ, इतना टाइम लग गया। हो गया भाई रेडी, हाँ भाई लुक बना दी है नहीं वैसे अच्छा है, ज़्यादा अच्छा लगा। आपका मल्टी पेपर होता ना तो वो भी आपसे लगवा लेते, वो मैं पूछ के गया हूँ वो ट्रांसपेरेंट है, हाँ वो दूसरा पड़ा था मेरे पास। दूर से देखो यार कैसा लग रहा है मल्टी पेपर, पता नहीं है बाद में पता चलेगा, अब लाइटें शाइटें चलेंगी ना ऊपर बंदा बैठा होगा। ओ हो भाई कार्बन गेम उठाएगा अब लगा है भाई, ये भी उतार दो इसका पेपर है सुन, ये फिर ज्यादा प्यारा लगेगा कार्बन, इससे ये फिर तेरा वो मर्ज हो गया। ये पहले सोचने तो दो हमें, ये तो भाई बिना ब्रेक उतार रहे हैं सारे, बुरा हुआ फिर दोबारा उसके बाद बाइक ले जाते हैं दोबारा लगवा लेंगे, लगा देगा छोटा सा पीस ही है, उतार दो ग्यारह पीस। पहले वो बिना ब्रेक उतार रहे थे, मैंने कहा भाई उतारो अब तो उतारो, फिर भी वो 3-4 दफा कन्फर्मेशन किया भाई उतार दे, उतार के देखते हैं अल्लाह करे नीचे से खराब ना हो यार वो ना, नीचे से ये निकल रहा है
पेड़ खराब, क्या करे उतार तो खुश हो जाए यार, उतार फुल जान से उतार रहा भाई, मजा आ रहा था इधर देखियो यार कैमरे में, मजा आ रहा उतारते हुए कह रहा मजा आ रहा तेरा नुकसान करते हुए किनारे पे कोई ऐसा मल्टी लगा रहे ओए लड़ो नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा लग रहा है। हाँ एक वो सेंस बन रही है। अब फैजी भाई को हमने दे दिए, ज़्यादा तो नहीं हो रही थी देर, वो जा रहे हैं। मैं मेरे पास एक दो काम रह गए हैं, उसके बाद मैं भी निकलता हूँ। एक ये पेपर उतारा हम लोगों ने, यहाँ से थोड़ा सा है पेंट ख़राब, तो यहाँ पे कोई छोटा सा पेपर लगवा देता हूँ। और इस बैक लाइट के ऊपर एक पेपर लगवा रहा है, तो वही बैक लाइट पर मैं पेपर लगवा रहा हूँ। ये जगह तो इस जगह की इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं हो रही है, पर यहाँ पे पेंट बंदा करवा दे थोड़ा सा ना। और पेपर लगने के बाद उम्मीद है कि लाइट की ना एक प्रॉपर शेप नज़र आएगी। जिस टाइम चलती है उस टाइम तो शेप है, लेकिन जिस टाइम लाइट बंद होती है ना, उस टाइम ऐसे प्लेन ही बस रेड कलर का बॉक्स ही नज़र आ रहा होता है। भाई बड़ी मेहनत से सर्कल जो है ना ये पूरा बना रहे, जैसे जैसे लाइट बनी हुई है ना, सेम टू सेम जो है ना वही डिज़ाइन बन रहा है। सो फाइनली भाई अपने काम शाम हो चुके हैं डन, और मैं जा रहा हूँ वापस। काफ़ी टाइम हो चुका है, तकरीबन मैं आया था 2:30 बजे यहाँ पे ना, और इस टाइम तकरीबन 7:30 हो गए होंगे। ये जो काम है ना काफ़ी बारीकी वाला है, इनमें टाइम लगता है। अभी इसी टैंक पे भी स्टिकरिंग कुछ करवानी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था, उन्होंने भी कहा कि भाई किसी और दिन आओ, ये जो है ना टाइम कंज्यूमिंग काम है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे ट्राई करूँगा। भाई फिर से मैं रश में फंस गया था, फाइनली निकल के आया हूँ। अब आगे इंशाल्लाह मिल जाएगा रास्ता। को मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। यार ना कोई लाइट थी इसने चलाई हुई, मेरे नजर ही नहीं आया। फिजान साहब तो घर पहुंच गए होंगे, उनको तो मैंने काफ़ी देर पहले फ्री कर दिया था। उस बंदे के सर में दर्द होना शुरू हो गया था, मेरे खुद जो है ना वहाँ पे रश और ट्रैफिक शोर की वजह से ना, और काम की वजह से खुद दर्द शुरू हो गया। बहुत ही ना कोई खिचड़ी पकी है इस जगह पर, बहुत ज़्यादा रश होता, इस वजह से जाने को दिल नहीं करता। लेकिन वहीं पर बैठे हुए हैं जो है ना ज़्यादा, जो काम करने वाले सारे एक ही जगह से सारा आपका काम हो जाता है। मैं भी बस घर के करीब पहुंच गया हूं, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये जो साउंड है ना, इसके साथ राइड का अलग ही मजा है। ओके बाय।